नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पुलिस का काम है आपके अधिकारों का संरक्षण और समाज में अपराध पर लगाम लगाना। लेकिन कर्नाटक में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस इतनी मजबूर हो गई कि उसे बिल्लियों का सहारा तक लेना पड़ रहा है। कर्नाटक के गौरी बिदनूर रूरल पुलिस स्टेशन ने अपने थाने में बिल्लियों की तैनाती कर दी है। जी हाँ, जिस पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपने लगते हैं, उसने अपने थाने में बिल्ली की तैनाती की है। ये पूरा मामला कर्नाटक के गौरी बिदनूर रूरल पुलिस स्टेशन का है, जहाँ पर पुलिस अहम मामलों से जुड़े फाइलों की ही रक्षा नहीं कर पा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को बिल्ली की ही जरूरत पड़ गई। दरअसल इस पुलिस स्टेशन में चूहों के कोहराम से परेशान होने के बाद उन पर लगाम लगाने के लिए दो बिल्लियों की थाने में तैनाती की गई है। इस पुलिस स्टेशन के सूत्रों के मुताबिक जब चूहों ने बड़े अहम मामलों की फाइलों को कुतरना शुरू किया, तो उसके बाद उन्हें समस्या का स्थायी समाधान हासिल करने के लिए कुछ बिल्लियों का इस्तेमाल करना पड़ गया। इस बात का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। एक आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल का जवाब मिलने से इस बात का खुलासा हुआ कि राज्य सरकार ने साल 2010 से 2015 के बीच चूहों को पकड़ने के लिए 19,34,000 रुपये खर्च किए थे। गौरी बिदनूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि हमारे थाने के पास ही एक झील है और इसीलिए ऐसा लगता है कि चूहों ने हमारे थाने को रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बना ली है। उन्होंने बताया कि पहले हमने थाने में सिर्फ एक बिल्ली की तैनाती की थी, जिसकी वजह से चूहों से होने वाला नुकसान काफ़ी कम हो गया था। इसके बाद हम हाल ही में एक और बिल्ली लेकर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम दोनों बिल्लियों को रोज़ाना दूध और दूसरी खाद्य सामग्री देती है। अब ये बिल्लियाँ एक परिवार की तरह रहती हैं। राजधानी बेंगलुरु से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस थाने में कामकाज की शुरुआत 2014 में हुई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक कर्नाटक में कई सरकारी विभाग चूहे और मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए हर साल अच्छी खासी रकम खर्च करते हैं। इसी सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण अकेले ही हर साल चूहों और मच्छरों से बचाव के लिए सालाना करीब 50,000 रुपये खर्च कर देता है। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे के कई मंडलों में भी चूहों की वजह से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस काम में भी रेलवे कई सालों से अच्छी खासी रकम खर्च कर रहा है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.thejbt.com। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।